told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to. घर के अनगिनत कामों को दोस्तों अगर स्ट्रेस फ्री होकर हमने कर लिया है, इसका मतलब है लाइफ हमारी बहुत स्मूथ चल रही है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज के वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग से होम मेकिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं. पता है दोस्तों कभी कभी क्या होता है, काम हमारे घर में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम हमारी प्रायोरिटी है, और बस पूरा दिन इसी सोचने में निकल जाता है. ना हमारे काम होते हैं और ना ही कुछ अच्छा प्रोडक्टिव हम कर पाते हैं, और एट द एंड रिज़ल्ट मिलता है हमें स्ट्रेस वाली लाइफ और बिल्कुल ज़ीरो आउटपुट. अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा सा हैपनिंग बनाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम कर लेंगे ना, यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी हद तक रिलैक्सिंग आप फील करोगे. तो ऐसे ही एक टू डू लिस्ट में भी एवरी नाइट सोने से पहले बनाती हूँ, और उस टू डू लिस्ट में मेरे नेक्स्ट डे के काम मेरे मेंशन होते हैं. उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील होता है, मुझे पता होता है नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों, अपनी होम मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपकी एक टू डू लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए. सो गाइज, ऐसे ही मैंने भी अपनी एक टू डू लिस्ट माइंड में बना के रखी थी, और उसमें मैंने ऐड किया था अपने किचन का एक कॉर्नर. उसको मुझे आज क्लीन करना था, ऑर्गेनाइज करना था. एवरीडे के काम ना दोस्तों हम करते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें अलग से एक काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा दिन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो और हमें लगे कि यार आज मैंने कुछ अलग किया है. किचन के सेल्फ में जितने भी लाइनर्स बिछे हुए थे ना दोस्तों, आज उनको क्लीन करना था. बहुत टाइम से क्लीन नहीं हुए थे, और ये लाइनर दोस्तों इतने ज़्यादा अच्छे हैं, मैं पिछले 2 साल से इनको यूज़ कर रही हूँ. बस इनको आपको वॉश करना होता है और ये वापस से बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं. और देखिए, लाइनर बिछाने का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी आपके सेल्फ में नहीं होती है. तो बस थोड़ा सा डस्टिंग किया है, जब तक हमारे लाइनर अच्छे से ड्राई हो रहे हैं तब तक हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे. क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे रखनी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सेट कर ली है. अब इस जगह का मैं क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर ही रही हूँ, तो फिर मैंने देखा कि स्विच बोर्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमी हुई है. तो इसको क्लीन करने का एक बहुत ही सिंपल सा हैक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. बस सैनिटाइज़र लिया है, एक कपड़े पे या टिश्यू पेपर पे किसी पे भी ले लीजिए, और उसके बाद आपके घर के जितने भी स्विच बोर्ड है ना, उनको आप आसानी से विद इन अ सेकेंड क्लीन कर पाएंगे. ज़बरदस्त हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सो गाइज, ये एरिया बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो गया है और बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी है. जो लाइनर हमने यहाँ पे वॉश किए थे वो भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए, तो चलिए वापस से इनको लगा देते हैं. रेगुलर डे में अगर दोस्तों कुछ इस तरह के काम हम ऐड कर देते हैं जो रेगुलर प्रायोरिटी वाले हमारे काम है, जैसे खाना बनाना हो गया, बच्चों को रेडी करना हो गया, या और भी बहुत सारे काम हम फीमेल्स के पास होते हैं, लेकिन उन कामों के बीच में अगर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाता है, जो हमारे घर को क्लीन रखता है, तो बस आपका दिन लिटरली दोस्तों बन जाएगा. सो आपके दिन को अगर आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो कुछ इस तरह के काम उसमें आप ज़रूर ऐड कीजिए. उससे आपका घर काफ़ी हद तक क्लीन तो रहेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा. इन बास्केट्स में मैं सारे एवरीडे काम आने वाले चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो एवरीडे कुकिंग में मुझे यूज़ होते हैं. तो दोस्तों ये सेल्फ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम क्लीन हो गई है, ऑर्गेनाइज हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है. आप भी इस तरह से अगर आपके घर के कामों को करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा.
किचन का ये कॉर्नर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छे से हो गई है, चीज़ें भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी है हमने, जो जो चीज़ें हमें एवरीडे लगती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने वार्डरोब से रिलेटेड। तो दोस्तों पता है क्या होता है, जब हम अपने वार्डरोब को क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा हमेशा क्लीन बना रहता है, काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज भी बना रहता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे एवरी डे जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो डस्ट अंदर चली जाती है। तो सबसे पहले तो आप नीचे वाले पार्ट में कभी भी डायरेक्ट कपड़े नहीं रखिए, इस तरह के बैग वहाँ पर आपको यूज़ करना है ताकि आपके कपड़ों पर डस्ट ना जाए। अब स्लाइडिंग वाले डोर का वार्डरोब अगर आपके पास है दोस्तों, तो 100% आपके यहाँ पे भी इतनी सारी डस्ट अंदर चली ही जाती होगी। तो इसको अगर हम टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें जम जाती है। तो कभी भी नीचे वाले पार्ट में आप डायरेक्ट कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कीजिए, नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि एवरीडे की डस्ट वहाँ पर बिल्कुल जमती ही है। दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं तो बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन करती रहती हूँ। क्या आप लोगों को भी ये सारे इश्यूज़ आते हैं, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बस आज इसी को क्लीन कर दिया है अच्छे से, वार्डरोब के जितने भी नीचे वाले हिस्से थे उनको मैंने आज क्लीन किया है और वापस से वहाँ पर चीज़ों को अरेंज किया है, क्योंकि वीक में एक बार ये काम मुझे करना ही पड़ता है। और दोस्तों ये काम ना लिटरली ऐसे काम हैं जो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ जाते हैं। अगर हम इन्हें नहीं करेंगे तो हमारा घर कभी भी क्लीन नहीं रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमने किया है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो ये क्लीनिंग, ये जो काम है, ये हमें करने ही पड़ते हैं। अब दोस्तों ये जो काम मैंने किए हैं आज के वीडियो में, ये मेरे माइंड में थे जब मैं रात को सोई थी, तो मेरे माइंड की जो टू डू लिस्ट थी उसमें मैंने इन काम को ऐड किया था कि कल मुझे अपने किचन का एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज करना है, क्लीन करना है, मेरे वार्डरोब का जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्लीन करना है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब बात आती है कुछ ऐसे कामों की जो एट अ टाइम हमें करने पड़ जाते हैं, वो हमारी लिस्ट में नहीं भी होते हैं। फिर आज के लिस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग एरिया में और यहाँ पे देखा कि थोड़ी चीज़ें बिखरी हुई है, तो उनको सेट किया। और जब मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को क्लोज़ किया तो देखिए दोस्तों, मिरर की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी। तो दोस्तों ये वो वाले काम है जो हमें पता भी नहीं है लेकिन हमें दिख जाते हैं, तो हमें बिल्कुल इनको उसी टाइम कंप्लीट कर देना चाहिए। तो बस इसको एक बेसिक सा क्लीनिंग दे दिया है। नॉर्मल यहाँ पे मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ और न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ, उसे काफ़ी अच्छे से मिरर क्लीन हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग होते हैं और हम उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर आपकी नज़र उस पर अभी पड़ गई है तो बस उसे कर दीजिए। जितना डिले करोगे ना दोस्तों, उतना डिले होता जाएगा, क्योंकि एट द एंड इस पर एक्शन आपको ही लेना है, तो फिर इसे क्यों ही डिले करना है। जब मेरी डॉटर छोटी थी ना, तो इस वॉल पे हमने ये वाला स्टिकर लगाया था उसके सेफ्टी पर्पस से, लेकिन अभी वो बड़ी हो गई है तो इसको बीच बीच में वो पुल कर देती है, तो कुछ इस तरह से इसके पीसेस टूट जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ख़राब भी नहीं होता, तो इसको हटाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो जो भी पीस वो तोड़ती है मैं उसे रख देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे वापस से डबल टेप की हेल्प से स्टिक कर देती हूँ। तो देखिए काफ़ी हद तक ये चीज़ें सेटल है, तब तक हमें अपने घर की चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए, जब तक आपका काम चल रहा है तब तक।
माइंड में अगर काम का टू डू लिस्ट बना लिया है ना दोस्तों, तो देखिए काम कितने स्मूथ हो जाते हैं, हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। नहीं तो हम पूरे दिन इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि मैं क्या काम करूं क्या काम करूं। मेरे साथ भी ये इश्यूज बहुत होते हैं, तो अब से मैं ये टू डू लिस्ट ज़रूर बना के रखती हूँ। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, कितना इफ़ेक्टिव है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी करेगा। तो बस आपका माइंड आप इस तरह से रेडी रखिए नेक्स्ट डे के लिए कि आपको क्या काम करने हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।